We are in Thrill City. Well, at least that's what BMW is calling this set for the launch of new 3. And here with us is the new BMW 3 Series. This is the M Sport variant with us, the 330i petrol version. Now, how is this diesel version different? That's what we're going to tell you. The front, first of all, you'll get to see this big, bold, black grille, which has a lot of piano black. इस्तेमाल किया गया है ग्रिल में इसके जो क्लैड्स हैं वो भी पियानो ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं जबकि वो डीजल वेरिएंट्स में आपको क्रोम में मिलता है अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पर आपको एलईडी लाइटिंग मिलती है और नीचे भी आप देखेंगे यहां पर इसके बम्पर के नीचे भी इस ब्लैक पियानो फिनिश टच को दिया गया है तो फ्रंट में रियर में आपको इसकी एलईडी लाइट्स मिलती हैं देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल गेट दीज ब्लैक अलॉय व्हील्स इन द न्यू 330i M Sport version. जबकि डीजल वेरिएंट में आपको वो सिल्वर कलर के मिलते हैं देन यहाँ पर आपको M की बैजिंग दी गई है और इधर भी आपको ये ग्रे और ब्लैक में जो स्ट्राइप दिया गया है M परफॉर्मेंस की बैजिंग के साथ यहाँ पर भी आपको ये स्कर्ट्स दिए गए हैं इस ब्लैक कलर में Then one more thing you'll find in this M performance package, which is the mirrors हैं वो आपको ये carbon fiber finish के साथ मिलते हैं इस M Sport variant में ये सब आपको देखने को मिलेगा Then from the rear, यहाँ पर आपको ये spoiler feel जो दिया गया है This is also in the black color in the M Sport variant and नीचे भी you'll get to see the same thing Then the rear lights are also LED and यहाँ पर BMW की badging और 330i की बैजिंग यहां पर आपको दी गई है नाउ लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं हाउ दिस कार इज डिफरेंट और हाउ दिस कार लुक्स फ्रॉम द इनसाइड नाउ फ्रॉम द इनसाइड दिस कार जो आपको फील इसमें मिलेगा बैठते ही सबसे पहले वो स्पोर्टी फील आपको इसके स्टीयरिंग का जो लेदर रैप दिया गया है उससे ही आपको देखने को मिल जाएगा देन एम स्पोर्ट की बैजिंग इसके स्टीयरिंग में भी दी गई है देन यू गेट द क्रूज कंट्रोल लेन असिस्ट एंड वॉल्यूम कंट्रोल्स फोन कनेक्ट डिस्क कनेक्ट वॉइस कमांड का बटन आपको इसके स्टीयरिंग में मिल जाएगा और यहाँ पर 12 इंच की ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की स्क्रीन इसकी दी गई है जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर टैकोमीटर फ्यूल गेज और उसमें आपको रियर पार्किंग असिस्ट जो लॉन्च कंट्रोल जो इसके फीचर्स हैं काफ़ी फीचर लोडेड गाड़ी ये है वो सब आपको इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखने को मिल जाएंगे देन यू विल गेट टू सी दिस फिनिश दिस डल मेटालिक सिल्वर फिनिश आपको इसमें इसके डैशबोर्ड में देखने को मिलेगी इसके एसी वेंट्स के आसपास और इसके एसी वेंट्स के यहाँ पर आपको ये थोड़ा ब्राइट क्रोम फिनिश में आपको यहाँ पर ये डिज़ाइन दिया गया है देन हियर यू गेट टू ग्लास होल्डर्स 12 वोल्ट सॉकेट एंड अ यूएसबी चार्जिंग स्लॉट प्लस अ वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन ओवर हियर देन अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको 8 स्पीड का स्टेप्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन इस 330i में मिलता है डीजल वेरिएंट में भी सेम ट्रांसमिशन यूज़ करा गया है एंड दिस कार हैज 2 लीटर इंजन जो लगभग 258 हॉर्स पावर की ताकत जनरेट करता है और 400 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है देन अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आपको चार मोड मिलेंगे स्पोर्ट कम्फर्ट इको प्रो एंड स्पोर्ट प्लस चार मोड आपको इसमें मिलेंगे हैंड रेस्ट के नीचे यहाँ पर आपको सामान रखने की जगह है USB C2C का चार्जिंग स्लॉट है लेदर रैप सीट्स आपको मिलेंगी स्पोर्टियर वर्जन है एम परफॉर्मेंस वर्जन है तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर ये सीट्स आपको दी गई हैं फिर उसके अलावा आपको डोर्स में भी यहाँ पर लेदर रैप किया गया है इसके डोर्स के यहाँ पर साइड में भी एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यस फ्रॉम फ्रंट दिस कार लुक्स प्रीमियम लेट्स गो टू द रियर एंड देखते हैं पीछे कितना स्पेस है तो सबसे पहले फ्रंट सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी थी देन लेग रूम हेड रूम एंड थाई सपोर्ट इज क्वाइट गुड एनफ इसमें कोई आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी स्पेस अप्रोप्रिएट है एंड दो लोग आराम से पीछे बैठ सकते हैं अब अमूमन इन गाड़ियों में एक आदमी ही पीछे बैठता है बट फिर भी दो लोगों की जगह यहाँ पर आपको ठीक ठाक मिल जाएगी तीसरे की तो बिल्कुल नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ पर टनल काफ़ी उभरा हुआ है फिर जो आपको नई जो 3 सीरीज़ है उसमें आपको 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है उसके अलावा पीछे आपको 2 USB C to C के चार्जिंग स्लॉट मिलते हैं एंड अ 12 वोल्ट सॉकेट आल्सो और AC कंट्रोल के ऑप्शंस भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं सो द सेम थिंग इज़
with the rear seats also. Wahi jo brown feel mein aapko leather wrapped seats piche milti hain. Very comfortable I would say these seats are. And uske alawa ye aapko armrest yahan par diya gaya hai with two cup holders over here. And I think boot access, no, you cannot access the boot from here. But yes, you can access the boot from here. Armrest hai, uske upar ek button diya gaya hai, wahan se aap usko press karenge, then this portion will come down and then you can access the boot from here. Sunroof bhi hai is gaadi mein, ye to hum aapko batana bhool hi gaye. Sunroof bhi hai is gaadi mein aur peeche bhi aapko wo premium luxurious feel aapko is gaadi mein milegi. So diesel version ka review aapne hamare channel par dekh liya hoga. This is the M Sport variant. Now the price starts from 41,40,000 rupees for the starting diesel version, and this M package, this M performance version, costs around 47,90,000 rupees, and this is the ex-showroom price. So that's it from us. Thank you and bye bye.